और रोहित शर्मा के घर से खुशखबरी आई है, हमारे कप्तान के फैमिली में खुशखबरी आई है, हिंदुस्तान के लिए खुशखबरी आई है। रोहित शर्मा अभी अभी रोहित शर्मा और रितिका उनकी वाइफ, ये फैमिली जो है दूसरे बच्चे के पेरेंट्स बने हैं। उनका एक बेटा हुआ है अब से कुछ देर पहले, और यानी कि 15 तारीख को उनका बच्चा हुआ है और वो हो गया 6 नंबर। अब हम अपने न्यूमरोलॉजिस्ट से ही पूछेंगे कि नंबर 6 जो है 7 की तरह सिकंदर बनता है या नहीं बनता है। लेकिन आपको बता दें कि रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान, टेस्ट कप्तान, इज ब्लेस्ड, रितिका एंड रोहित शर्मा आर ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। उनका एक बॉय हुआ है और पहले उनकी एक बेटी थी, मेरे ख्याल से 4 साल की है, है ना, और अब उनका एक बेटा हुआ है जिसकी वजह से वो पर्थ फ्लाई उन्होंने नहीं किया था। फिलहाल मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, वो पर्थ फ्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, खबरें ये आ रही कि करेंगे और पहला टेस्ट मैच भी खेलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी अभी वो दूसरे बच्चे के पिता बने हैं, रितिका माँ बनी है, उनकी फैमिली में खुशियां आई है। और इधर से साउथ अफ्रीका से टीम इंडिया ने तोहफा दिया है, 3-1 की जीत के साथ जबरदस्त एक ऐसा एंटरटेनिंग मैच खेला, ऐसा जबरदस्त रिकॉर्ड तोड़ मैच खेला है। तो रोहित के लिए तो दो तरफ से आज बंपर खुशियां आई है, बिल्कुल, और हम सबके लिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की खुशियां, इनकी खुशियों से हमारा हिंदुस्तान भी खुश होता है। तो रोहित शर्मा हम बात करेंगे, हम बताएंगे पर्थ टेस्ट मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन फिलहाल उनको अपने फैमिली के साथ रहने दें, अपने फैमिली को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, फैमिली के हेड है वो, है ना, परिवार के हेड है वो। तो इस समय जो है रोहित शर्मा के घर में खुशखबरी आई है, उनको बेटा हुआ है उनके और उनकी वाइफ को। तो ये है दूसरी खुशखबरी, या कहें एक जो दो खुशखबरी आई है वो मैं 1 और 2 नहीं कर सकता हूँ, दोनों, एक हिंदुस्तान की जीत है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के कप्तान रोहित शर्मा, जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था कि पर्थ टेस्ट खेले, अब उनके खेलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और क्योंकि अब वो पिता बन गए दूसरे बच्चे के। बिल्कुल, तो अगर हम पहली जो खुशखबरी है आपने कहा, जो हमने पहले बताई, जी हम रैंक नहीं कर रहे हैं, जो हमने पहले बताई टीम इंडिया ने, अभी उसी के रिकॉर्ड के बारे में बात करना पड़ेगा, अब उनका बेटा हुआ इसके ज्यादा हम बात कर नहीं सकते, एग्जैक्टली, क्योंकि हम, हमारी बात तो वहां हो नहीं रही है, उसमें हम कोई रिकॉर्ड तो दे नहीं सकते, रिकॉर्ड भी नहीं, डॉक्टर ने क्या कहा और मेडिकल रिपोर्ट तो हमारे पास है नहीं, जी है ना, मेडिकल रिपोर्ट देनी भी हमें ऐसी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बता रहे हैं कि मदर एंड चाइल्ड आर बोथ हेल्दी, ऐसी खबरें आ रही है ना, तो ये सोर्सेस के जरिए आई है, लेकिन खबर बता रहे हैं पुख्ता है कि रोहित शर्मा जो है दूसरे, रोहित शर्मा और रितिका माँ जो है, रितिका और रोहित शर्मा जो है, रितिका और रोहित शर्मा जो है पेरेंट्स बने दूसरी बार, इस बार बेबी बॉय हुआ, उनका बेटा हुआ उनके घर में, एक बेटा आया।